खुदा वो आप सबों के साथ। अंजलि मुकदस मुकदस मत्ती के मुताबिक और वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यसु ने उनके लिए मुकर्रर किया और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बाक ने शक किया और यसु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और माँ और बेटे और उसके नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैंने दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाए। बहुत गहरी बात, बहुत मुश्किल बात, बहुत पचीदा भेद है बात इस चीज का। जिसको बयान करना या गुफ्तगू करनी, बातचीत करनी बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई सवाल जरूर किसी न किसी मोड़ पर कर देता ही है, बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की बात करेंगे। सादा लफ्ज़ों में या मुश्किल अल्फाज में, फ़िलासफ़ी में या थियोलॉजी में या साइकोलॉजी में बयान करने की कोशिश करेंगे तो एक सवाल ज़रूर सब में, सब हम सब किसी न किसी मोड़ पर सवाल हमारे दिलों में एक उभरेगा कि नहीं तीन खुदा है। वाह, बड़ी मुश्किल समझाते हुए तो हम उनको लादा लादा करके समझा देंगे कि यकीन का जिक्र तो है, उनका काम भी वाज़े है, उनकी आमद भी वाज़े है, उनका मिशन की तकमील भी बिल्कुल वादे है, लेकिन मासवा एक पाक तस्लीस के एक शख्स को कि दूसरे दो जो दूसरे दो शख्स हैं खुदा और रूह हमने नहीं देखा, नहीं देखा। ईमान की नज़र तो है, ईमान की नज़र से तो हम कह सकते हैं कि ईमान की नज़र से हमने देखा है, ईमान की नज़र से हम मानते हैं, ईमान की नज़र से हम समझते हैं, लेकिन लेकिन जब मुजाहिर की बात आती है तो फिर बात कदरे मुश्किल है समझाना, बयान करना। बारी बारी देखें, तकलीक का एक वक्त था, वो खुदा का ज़माना, खुदा भी बिल्कुल क्लियर है, साथ ही जिक्र है कि उसकी रूह पानियों पर जुम्बश करती नजर आती, बयान किया गया कि रूह पानियों पर जुम्बश करती है, रूह का भी जिक्र साफ नजर आता है, लेकिन उसके साथ थोड़ी देर बाद नजात का भेद भी का जिक्र भी आता है कि मैं तुम्हें एक निजात देने वाला भी दूंगा। तीन शख्स तो हो गए, तीन अकालीन तो हो गए, लेकिन खुदा एक ही है। ये फिर आप कहेंगे या कोई भी कहेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल बात है, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ईमान के रूप से मानते हैं कि अकालीन तीन हैं लेकिन खुदा एक ही है।
खुदा खुदा एक ही है, उसमें तीन है, तीन अशखास का मजमुआ है, लेकिन वो एक खुदा एक ही है। हम तीन खुदाओं को नहीं मानते, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा को मानते हैं। आपने कहानी सुनी होगी मुकद्दस अगस्तीन की, वो भी बेचारा फंस गया थी मसले में। मुकद्दस बहुत बड़ा मुकद्दस था, बहुत ही लुकियत में रूहानियत में वो बहुत ही आगे बढ़ गया था, लेकिन वो भी इस मसले में फंस गया। घर को छोड़ दिया, जंगल बियाबानों में, रात गली गुजारों में, दरिया के किनारे वो जा गिरा, जा चलता फिरता है और बैठ कर कहता है कि चलो आज मैं ये करता हूँ कि ये समुंदर को इस छोटी सी वो क्या कहते हैं खुट्टी क्या कहते हैं उसको, उर्दू में है ना, छोटे से प्याले में डालता हूँ। उसने करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मैं शाम तक ये दरिया समुंदर जो है वो उस घड़े में डाल दूँगा, छोटे से घड़े में डाल दूँगा। फरिश्ता आया, वो तू क्या कर रहा है बंदे, खुदा के बंदे से पूछा, फरिश्ते ने पूछा कि तू क्या कर रहा है। मैं ये समुंदर का पानी इस छोटे से घड़े में डालूंगा और शाम तक ये दरिया खुश्क हो, समुंदर खुश्क हो जाएगा। उसने कहा कि ये तो बात बहुत मुश्किल है। वो कहता है ऐसे मुश्किल है, इस ऐसी बात हुई। और फरिश्ते ने कहा कि तेरी बात फिर गया जैसा वो दर तरफ घूम रहा है फिर रहा है और तुझे हाल नहीं ना नजर आती, और इसी तरीके से तू जो मैंने बात कही है कि ये पानी तू उस घड़े में नहीं डाल सकता, परेशान ना हो, ये एक भेद है। फरिश्ता मुकद्दस अगस्तीन को समझाने के बाद वो गायब हो गया और मुकद्दस अगस्तीन फिर अक्सर नौ ईमान की मजबूती से शरशार होकर मजबूत होकर वो वापस लौटता है और फिर वो पाक तसलीस की बुशारत करता है कि खुदा एक ही है, उसमें तीन अकालीम है, खुदा बाप है, बेटा है और रूह कुदस है, उन तीनों का जमाना एक जमाना फर्क है। दूसरी बात यह है इसको समझने के लिए कि इनकी तकमील नजर आती है अलग-अलग, तकमील खुदा की, इंसान की तकलीफ हो गई तकमील हो गई। यीशु की तकमील गिरे हुए इंसान को वापस खड़ा कर दिया, आसमान पर चला गया, जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, बने नौ इंसान को वो खुदा का वादा तकमील तक पहुँचा दिया। तीसरा शख्स आया, वो आज हमारी मदद कर रहा है, वो आज हमारी मदद कर रहा है कि आज के ज़माने में हमने कैसे अपने मार्ग में मजबूत रहना है, वो हमारी मदद कर रहा है। लेकिन एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि यीशु के अल्फाज को याद रखना, कभी ना भूलिएगा। उसने क्या कहा कि तुम खुदा के खिलाफ बात करो तो माफ़ हो जाओ, मेरे खिलाफ बात करो तो माफ़ हो किया जाएगा, लेकिन तुम रूह के खिलाफ करोगे तो माफ़ नहीं किए जाओगे। ये क्यों कहा कि वो आज हमारी रहनुमाई कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा गुलूकार हो गुजरा है, खुदा उसको बहिश, खुदा उसको ठंडी जगह दे, बेशक वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसने जो कुछ गाया है, जो बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो उसने वो मौसीकी के मैदान में गाया, उसको वो यीशु की तालीम उसमें मुकम्मल तौर पर पाई जाती है। और वो है गुलूकार, कौन हो सकता है, अंदाजा लगाओ, सभी लोग बड़ी गीत सुनते हैं, अंदाजा लगाओ वो गुलूकार जिसने खुदा की बड़ी तारीफ की है। बयान अंजील के मुताबिक शायर है, वो भी मुसलमान ही है, लेकिन उसने शायरी जो की है और गाया जो है उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से तीनों का नाम आया है। और वो गुलूकार कौन है, मोटा आदमी है, मोटा आदमी, ठीक है, नुसरत फतेह अली ने वो
एक गीत गाया है और एक उसने कव्वाली गाई है। गीत ये नहीं, मुझे ये नहीं पता कि कव्वाली पहले गाई है या गीत गाया, लेकिन उसने ये दो गाए हैं, एक उसने कव्वाली भी गाई है और एक गीत गाया है। गीत उसने कौन सा गाया है? कोई धुंधलाम पे हस्ती चला रहा है, ये मुझे अल्फाज नहीं है, लेकिन ये ना गजल, ये गजल उसने गाई है। कोई ना कोई निजाम में हस्ती तो है जो निजाम को चला रहा है, कोई ऐसी हस्ती है, उसने कोई ना कोई अतराफ तो उसने किया ना खुदा का, कोई ना कोई हस्ती है जो इस निजाम को चला रही है। ये दरख्त, ये चरंद, ये पहाड़, सब कुछ उसने पूरी कायनात को उस गजल में मदबम किया है, शामिल किया है, और उसने ये बात करने की कोशिश की है कि इस निजाम को, इस हस्ती को जो भी चलाने वाला है वो कोई ना कोई अजीम हस्ती है। यदि खुदा का जिक्र उसने किया, बेशक हम उसको देख नहीं पाए, देख नहीं सकते, ये भी एक गोरख धंधा है ना, दूसरी जो उसने कव्वाली गाई है गोरख धंधे की, सुना कभी गोरख धंधे की कव्वाली है, कभी सुनी है गोरख धंधा? बड़ी खूबसूरत उसकी कव्वाली है। उसमें उस कव्वाली में गाते गाते उसने खुदा को, उसने कहा ये क्या निजाम है, तारीफ भी करने वाले सभी तुझे, जो भी इंसान है सभी तेरी तारीफ करता है, सभी तुझे आसमान की बुलंदी पर ले जाता है, लेकिन तू अपने आप को क्या समझता है, जो नजर ही नहीं आ रहा, जो नजर नहीं आ रहा, खुदा ना नजर ही आने वाला ना, खुदा को नजर देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी रहमतों को याद किया जाता है। फिर गाते 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 वो बड़ी तेजी के साथ गोरख धंधे में ही गाता है, यीशु का नाम भी लेता है, सलीब का, ये सलीब पर चढ़ाने वाला भी तू ही है और दूजे को जिंदगी बख्शने वाला भी तू ही है, लेकिन तू नजर नहीं आता, क्या ये गोरख धंधा है तेरा? फिर उस जमाने को चलाने की बात भी वो उसने की गोरख धंधे में, उस कव्वाली में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये निजाम जो है दुनिया का, ये मुसलसल जारी और सारी है, बनाने वाला कोई है, उसे असर नौ तकबीर तक पहुंचाने वाला कोई है, और उसकी रहनुमाई करने वाला कोई ना कोई है, और वो है पाक तस्लीम के दिलों का गादी।